बंधु सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि मुझे आदेश प्राप्त हुआ है कि मैं आपको किसान सेवा सेना संगठन के उद्देश्य और उसके कार्यक्रमों के बारे में बताऊं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। प्रिय भाइयों, यह प्रसन्नता का विषय है कि जबलपुर के नव युवक कृषक हितैषी भाइयों ने अन्नदाता की सेवा, उनका स्वयं का एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्भीक, वर्ग विहीन, गैर राजनीतिक संगठन स्थापित किया है। इस संगठन के उद्देश्य और रूपरेखा इस प्रकार है: ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान, किसानों को जागरूक व संगठित करने के हर स्तर पर प्रयास, सदस्यता अभियान, प्रचार प्रसार, किसानों की समस्याओं का संकलन कर निदान के प्रयास व प्रयास के तरीकों का प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, किसान की बहुमुखी बहुआयामी उन्नति व कृषि व उनके समग्र विकास तथा उनकी भलाई के लिए अनेक गतिविधियां, योजना व कार्यक्रमों का आयोजन करना, शिविरों, संगोष्ठियों, बैठकों, सभाओं, प्रशिक्षणों आदि के माध्यम से किसानों को उनके बारे में जानकारी प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण, वृक्षारोपण, स्वच्छता आदि जनकल्याण, जनहित की गतिविधियों, कार्यक्रमों, योजनाओं का संचालन, श्रमदान, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकूद आदि से संबंधित गतिविधियां संचालित करना। इस संगठन की जो कार्यविधियां हैं वो इस प्रकार रहेगी: उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसानों के द्वारा किसान सेवा संगठन की स्थापना की गई, जो जिले के किसानों का अपना स्वयं का एक संगठन है। यह संगठन एक अभिनव प्रयोग है जो न केवल प्रदेश वरन देश विदेश में ख्याति अर्जित कर एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा। इस हेतु जिले की विभिन्न तहसीलों क्षेत्रों से 50 वर्ष तक के नव युवक युवतियां महिलाओं का चयन कर पंजीकृत किया गया व किया जा रहा, जिन्होंने मैदानी स्तर पर तन मन धन बल एवं अपने समय का उपयोग योगदान देते हुए शपथ पूर्वक संकल्प लिया है। पंजीकृत सदस्य प्रशिक्षण के साथ उद्देश्य में निश्चित विधान, नियम, कार्यविधि आदि का पालन करेंगे। इस संगठन के व्यापक स्वरूप एंड लक्ष्य इस प्रकार है: इस संगठन का व्यापक जो स्वरूप है व्यापक होगा। इसमें चयनित पंजीकृत नव युवक सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी किसान भाई व किसान हितैषी बंधु इसके संरक्षक सदस्य होंगे, जिनकी आयु सीमा की कोई सीमा नहीं है। आज जब हम किसी अधिकारी और किसी कार्यालय में जाते हैं, किसी नेता के पास जाते हैं, एक निरी अवस्था में जाते हैं, लेकिन आज आपके अंदर वो ताकत, वो ऊर्जा, वो मेडिसिन अब आपको दे दी गई है कि आप सम्मान के अभाव में अब लौटेंगे नहीं, आप सम्मान पा के जाएंगे, आप अपने अधिकार के साथ में वहां से वापस आएंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ में मैं अग्रवाल जी को, एंटायर टीम को हृदय से उन्हें बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे किसानों के लिए एक ऐसा बाग तैयार कर दिया कि हमेशा बारह महीने ये फूल खिलते रहेंगे। मौसमी फूल ना हो, ये वो फूल लगा दिए उन्होंने, वो पौधे ऐसे लगा दिए हैं, ये उनके जीवन के अंतिम क्षणों तक ये फूल खिलते धान है। उठो तोलिए, जागो और जगाओ। अब गेहूं प्रतीक है उस श्रम का, ओठ बंद है, खोलो बंद ओठो को, लहू लुहान है गेहूं। परिवर्तन की कामना बहुत हो चुकी, लहू लुहान है गेहूं। अब सपने जिंदा रहे, परिवर्तन की कामना बहुत हो चुकी कुर्बानियां, निरुत्तर कब तक, अब सजग हो, अब होना चाहिए समस्याओं का समाधान। गेहूं पर अनुसंधान गोष्ठियां, कैसे बढ़े उत्पादन, कैसे दिखे चमक, बहुत हो चुका यह सब, गोष्ठियां उन पर क्यों नहीं, जो उगाते तो है हमें, पीढ़ी दर पीढ़ियां
फिर भी उनकी उन्नति में सुधार होने अनुसंधान होना चाहिए, अनुसंधान होना चाहिए कैसे जिंदा है वे, होना चाहिए इस पर अनुसंधान और गोष्ठियां। उसका लक्ष्य उपदेश मूलक सरोकार हमारा भी हो, हंसे गेहूं भी एक बार, कद्र करो कद्रदानी बनो, अब ना हो कोई कुर्बानियां। दूसरा है कि हम बोते तो हैं लेकिन हमारे वस्तुओं का मूल ठीक से नहीं मिलता, जिसके कारण हम दर दर भटकते हैं। इस पर हमने अपनी भावनाएं प्रकट की। वस्तुओं के बढ़ते मूल, जब आप लोग किसान सेना के लोग हैं तो जरा ठीक से सुनना, वस्तुओं के बढ़ते मूल आम नागरिक वस्तुओं का मूल खामोशी से चुका। अनाज के दाम बढ़ते ही संसद से लेकर सड़क तक तूफान खड़ा हो जाता, भीगते पानी में, ठंड में सिकुड़ते, गर्मी में तरबतर, अकाल मृत्यु का भय, एहसास पग पर बदलता, मौसम का मिजाज, वक्त की राय पर जज्बात भी जब मर जाते, सुबह नंग धड़ंग कैसे कैसे क्या क्या झेल कर करता है इंतजाम अनाज का, हानि का कैसे रखे हिसाब, जय जवान जय किसान का गहरा अर्थ अब किसे याद है, सेना जैसा सजग पहरी वह खेत पर, न सजग पहरी के पास न सरकार के पास हिसाब किताब, हिसाब किताब, दो फसल आई दो गई, दो में घटाओ दो, हासिल आई सुन सुन पर खामोशी। एक है कि प्रकृति की मार से हम लोग का बहुत नुकसान होता है, हम अपनी बात शासन शासन के सामने कहते हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, फिर भी हमने अपनी भावनाओं को प्रकट किया है। मैं प्रकृति की आपदा से हारना नहीं चाहता, क्योंकि किसान जो है वो खेती का धंधा छोड़ता नहीं है, नुकसान कितने ही होता है। मैं प्रकृति आपदा से हारना नहीं चाहता, विपरीत परिस्थितियों में भी जीत कर जीतना नहीं चाहता, खेत के समक्ष हार कर खेत के सामने करना चाहता हूँ आत्मसमर्पण। मृत्यु के डर से किसान विरोधियों के सामने होना नहीं चाहता घुटना टेक, व्यवस्था के खिलाफ लड़ते हुए किसानों के बीच खेत में ही मिल जाना चाहता हूँ ताकि उग सकूं बार बार। धन्यवाद। कृषि की बड़ी बड़ी उन्नत किस्में और उन्नत तरीके इजाद हो गए, आदरणीय भीम साहब इनके अंडर में काम करने वाले इतने सारे आविष्कार लगातार किए जा रहे हैं जिनका उपयोग से हमारे कृषक अपनी जो फसल है उसको क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज दोनों तरीके से उसको। मैं अनेकों बार इस बात के ऊपर मैंने सोचा चर्चा की के भाई से, मुझे सौभाग्य मिला पूर्व कुलपति महोदय से भी बात करने का कि बहुत सारे अनुसंधान वो सारे प्रयोग वो उपकरण जो कृषक भाइयों के अगर हाथ में आ जाए तो कृषि क्रांति हो जाए, मगर वो अभी तक उपलब्ध नहीं हो पा रहे। कारण कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं, जो कृषि वैज्ञानिक हैं, उन्होंने उसका बढ़ा तो दिया पर बनाने के बाद उसका व्यापारिक उत्पादन हो और व्यापारिक उत्पादन के साथ साथ वो कृषकों के पास तक पहुंचे तभी तो हम उसका उपयोग करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से आदरणीय कुलपति महोदय से कि वो इस बात को आगे बढ़ाएं, बहुत बढ़िया, वो इस बात को लाएं कि जो अनुसंधान जो कृषि यंत्र यहाँ पर नए नए विकसित हो रहे हैं, नए नए तरीके तो आ रहे हैं, उसका वो हमसे बातचीत करें, चैम्बर आगे आने को तैयार है, साथ में है उनके कि हम उनको उत्पादन करने वाले फैक्ट्री वाले या दूसरे लोगों से मुलाकात कराएं और वो उसका जब निर्माण हो करके हमारे कृषि बंधुओं के हाथ में आएगा तभी उसका सही फायदा हो पाएगा। प्रथम बात तो मैं ये कहना चाहूंगा। दूसरी बात, कृषि उत्पाद तो आपने बना लिया मगर जब तक उसके हम वैल्यू एडिशन ना करें, मूल्य वृद्धि कैसा कि हम तो आपने उपजा लिया
और उपजाने के बाद आप अगर बैठे हुए हैं तो क्यों ना उस गेहूं से अगला जो उत्पाद बनना है उस उत्पाद को बनाने की वो सोच रहा है। और उस सोच के साथ साथियों वैल्यू एडिशन जो है, आज हमने यहाँ से गेहूं लिया, यहाँ का पेटी ली या जो भी फसल हमारे जो दलहन है तिलहन है, इन सारी चीजों को हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, दूसरे कंट्री में देते हैं, वहां उसका प्रसंस्करण होता है और प्रसंस्करण होने के बाद वही चीजें वापस हमको उपलब्ध होती है पर कई गुना अधिक कीमतों में। अगर हम अपने संसाधन अपनी सोच यहाँ पर हमारे सौभाग्य है कृषि विश्वविद्यालय और उनका मार्गदर्शन हमें साथ है, हमें हमारे संगठन के माध्यम से हमारे लोगों के माध्यम से इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए कि उसको सहकारिता के माध्यम से गुड़ बना करके आपके संगठन के माध्यम से ऐसे कल कारखाने, खादी ग्राम उद्योग है, कुटीर उद्योग है, सूक्ष्म उद्योग है, लघु उद्योग है, इन सब लोगों को सरकार सबके लिए आगे है, सहयोग कर रही है, इन सबके लिए योजनाएं हैं, उन योजनाओं में आप अपने परिवार से अपने बच्चों को अपने उनको जोड़े और जोड़ने के साथ साथ आज की जो फसल है उस फसल का वैल्यू एडिशन की सोच दिमाग में रखें। हम जब आप कॉमर्स और इंडस्ट्री स्टोर से आश्वस्त करते हैं उसमें जो भी सहयोग होगा वो हम रखता है। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।